Sri Naresh Narendra Budania. रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उम्मीद तो उनसे बहुत थी, पुराने लंबे समय से उनसे पहचान थी, उनके कामकाज को देख करके ऐसा लगा कि वो इस देश के लिए बहुत ही शानदार बजट पेश करेंगे, इस देश की जनता के आशाओं के अनुरूप। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि उन्होंने एक बहुत ही निराशाजनक बजट पेश किया है। मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोलना चाहता था, लेकिन मैं मेरे राजस्थान से मैं चुन के आता हूँ, सिर्फ राजस्थान के ऊपर मैं फोकस रखूँगा। राजस्थान के लिए मुझे कहते हुए बहुत ही निराशा हो रही है कि राजस्थान से 25 सांसद आते हैं लोकसभा के, और 25ों के 25ों आपकी पार्टी के। राजस्थान की जनता ने आपको कितना दिया है, लेकिन आप अपने छाती पे हाथ रख के सोचिए कि आपने राजस्थान को क्या दिया। आप राजस्थान को भूल गए एकदम से, जो भूलना नहीं चाहिए था आपको। आपने जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो डूंगरपुर रतलाम लाइन है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। आपने जो है ये आपके भीलवाड़ा कोच फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोला। आपने जो है जयपुर चूरू ब्रॉडगेज जो है कई कई महीनों से कटा हुआ है, जिला मुख्यालय है, बहुत से लोग कटे हुए, उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बोला। आपने जो है जो चीज़ राजस्थान के लिए होनी चाहिए थी उनसे राजस्थान को आपने उपेक्षित रखा है। आपने घोषणाएं तो की हैं, लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ सुनकर कि आपकी घोषणाएं, आपने जो है कुछ नई रेल लाइनों की सर्वे की घोषणाएं की हैं। और मैं पिछले मैं जब लोकसभा में था सन 1996 में, तब घोषणा हुई थी 97 में घोषणा हुई थी सर्वे की, सरदार शहर से हनुमानगढ़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल लाइन थी, और हमको पूरा भरोसा था कि इस लाइन को बनने से हमारे बॉर्डर को भी फायदा होगा, क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ है, और इस क्षेत्र का जो कि राजस्थान का जो हिस्सा है ये विकास से नेग्लेक्टेड है, तो ये हनुमानगढ़ सरदार से जुड़ने से शायद जो है ये लोगों की कल्पना थी, लोगों का सपना था कि हमारी आशाएं पूरी होंगी। आगे किसानों ने सपना देखा था। 97 के बाद कई बार घोषणा हुई, रिपीट हुई, लेकिन इस बजट में मैंने देखा कि सरदार से हनुमानगढ़ की बजाय सरदार से सूरतगढ़ नई सर्वे की बात कर रही थी। इधर हनुमानगढ़ है और इधर पास में सूरतगढ़ है, तो नए सिरे से जो है आपने घुमा के पेश कर दिया। सरदार से हनुमानगढ़ का जो रेल सर्वे है, सुनिए, करोड़ की प्रोविजन थी, पिछले साल में 2511 हो गए, ये साल में 2802 करोड़ हो गए। मैंने मंत्री जी ये बात कही कि राजस्थान ने आपको 25 सांसद दिए हैं, और ये ऐतिहासिक काम किया वहां की जनता ने आपके लिए, ऐतिहासिक काम। तो क्या आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए आपने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं? हम हमारे मित्र हैं, हमने जो है कई बार आपके मुंह पे भी बड़ाई की आपके काम की, जो आपने अच्छा काम किया उसके आगे मुंह पे आपकी बड़ाई की है। लेकिन आज जो मुझे बात महसूस हो रही है, तो जो है अब आज दिल से तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है कि जिस स्टेट से मैं आया हूं और उस स्टेट ने इनको 25 MP दिए हैं, और वो राजस्थान की तरफ उनका ध्यान नहीं। अब बताइए कि आप जयपुर को क्यों नहीं इसे जोड़ते इससे इलेक्ट्रिसिटी से? जयपुर जैसा पर्यटक स्थल, इस हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट, जिसको आपने जो है अभी बिजली की से नहीं जोड़ रखा, आपने जो है जो यह काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। चलिए, आपने जो मैं एक घटना बताई आपने सरदार से हनुमानगढ़ की, एक और बताता हूं आपको कि आपने चूरू तारानगर का सर्वे हुआ था 1999 में, और आपके रेलवे बोर्ड के और आपके DRM GM सब लोग वहां पहुंचे,
और दो रेल लाइन भी ले गए थे टुकड़े, और वहां पर उसका शिलान्यास किया सर्वे का, और आज 16 साल बाद फिर आपने घोषणा की है घुमा के सरदार सर तारानगर और साधुलपुर। तो ये बार बार ये घोषणाएं, मुझे तो मालूम है, मैं 30 साल से देख रहा हूं कि आप ये सर्वे की घोषणा कहां तक पूरी हो रही है। ये जनता को बुलाने का काम छोड़िए, आप जनता को बुलाने का काम छोड़िए। अरे जी आप सीरियस हैं इन रेल लाइन बिछाने के अंदर, तो आपके जो है आप इनको पूरा करिए। लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है कि बार बार ये झूठी घोषणाएं होती हैं बल आने के लिए, सांसद को खुश करने के लिए, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। महोदय मैं एक दो मांग और रखना चाहता हूं आपसे कि आपके यहां से जो है बीकानेर हरिद्वार ट्रेन चलती है, बीच में चलती थी फिर बंद हो गई। हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि भी ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, हमारे जो है हजारों हजारों लोग जो हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ किस में जाएँ, वो रोड से जाते हैं तो रोजाना कोई 10-5 लोगों का एक्सीडेंट होता है। तो फिर जो है सप्ताह में एक दिन चलाइए, मुझे बताइए, आधा राजस्थान कवर होता है बीकानेर से, आपका जो है कई स्टेट कवर होते हैं, नरेंद्र सिंह जी बैठे इनका स्टेट भी कवर होता है, तो इससे जो हरिद्वार के लिए जो है आप कम से कम रोजाना तो गाड़ी चलाइए, वहां पर आपकी गाड़ी फुल जाती है, आपको फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, जनता आपको जो है हरिद्वार में जाकर के आपको आपको जो है आपके गुणगान करेगी, आपको धन्यवाद देगी, आपकी मुक्ति करेगी, आपके आपको जो है बहुत जो है आपके लिए गुणगान करेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको रोजाना करें। जैसलमेर से हावड़ा गाड़ी चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, वो भी सप्ताह में एक दिन चलती है, तो उसके भी फेरे आप बढ़ाने का काम करिए, लोग उम्मीद रखते हैं आपसे। आपके जो है अभी एक नई गाड़ी आपने चलाई है ट्रेन भगत की कोठी से गुवाहाटी, वो भी रोजाना एक दिन चलाइए कामख्या एक्सप्रेस के नाम से। नाम आपने कामख्या दिया है तो कम से कम इसका इसका फेरा एक तो मत रखिए, कम से कम दो तो करिए इसका। हमारे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हमारे राजस्थान के हजारों हजारों लोग रहते हैं वहां पर, और विशेष तौर से बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, इस एरिया के बहुत लोग रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी बढ़ाइए फिर। अब एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ, चूरू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे मैं भी 3 बार वहां से लोकसभा का मेंबर रहा, और चूरू से 5 बार लगातार बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। कितनी बार? 5 बार। और जो सांसद जीत के आते हैं वो राजगढ़ के रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह चाह कि वो लोकसभा में बोले हैं कि नहीं बोले हैं, आवाज उठाई है कि नहीं उठाई है, लेकिन मैं कई बार कहता रहा हूं कि जिस गांव ने आपको 5 बार सांसद दिया है, और उस राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ पिलानी रोड के ऊपर एक ऐसा जो है वो आपके क्रॉसिंग है जो 12 घंटे के अंदर 8 घंटे 9 घंटे बंद रहता है, और उस जो है क्रॉसिंग के पार कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, जिले का बहुत बड़ा बड़ा का बहुत बड़ा औषधालय सरकारी, वहाँ पे लड़कियों की स्कूल, सारा का सारा उस रेलवे के पार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि लोग कितने दुखी होंगे आपसे, और अब की बार भी आपने नहीं बनाया ना तो वहाँ की जनता आपको नकार देगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने हाईवेज पे बनाने का निर्णय लिया है ओवर ब्रिज, तो यह हाईवे पे, लेकिन हाईवे से छोटा भी नहीं है, ये हाईवे से ज्यादा बड़ा है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस जो है सादुलपुर राजगढ़ पिलानी रोड के ऊपर, जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है पिलानी हमारी, उस रोड के ऊपर आप उसके जो और ब्रिज बनाने का आप काम करें तो बड़ी खुशी होगी। महोदय मैं अंत में मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं एक छोटे से काम की बात रखी आपके सामने। आपने घोषणा की कि हम जो है अच्छे स्टेशन बनाएंगे, अच्छे स्टेशनों का विकास करेंगे, तो दिल्ली कैंट से मैं हम लोग चढ़ते हैं, और मैं समझता हूँ वहां से कम 50 सांसद चढ़ते होंगे उस स्टेशन से। बिल्कुल। और मैंने जब वहां काम देखा, मैं खुद उतरता हूँ, बहुत 50 लोग उतरते हैं, और इतना महत्वपूर्ण स्टेशन है, और उस पर जब काम चल रहा है उसका रिनोवेशन का, तो मुझे देखा, मैंने देखा ये रिनोवेशन तो पहले से भी जो है खराब हो रहा है, इसे तो पहले ही अच्छा था, और अब जो है ये इतना घटिया माल लगाते हैं। मैंने आते ही सबसे पहले चिट्ठी आपको लिखी, तो आपका जवाब तो आया, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई।
उस पर कार्रवाई कुछ नहीं, उसके बाद जो लिपापोती हो गई होगी उसके ऊपर, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता आपके ऊपर बिल्कुल भी, आप पे कोई शक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अगवा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो स्टेशनों पे काम हो रहे हैं उस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ठेके होते हैं ये जो है नीचे के लेवल पर किस प्रकार से कर जाते हैं आप तक हम तक पता ही नहीं लगता है। अंत में मैं दो छोटी छोटी मांगे मैंने पहले रखी थी, आपको लिखी थी चिट्ठी, एक छोटा सा एक बार मेरे से मिलने के लिए आ गया डेपुटेशन कि साहब हम ढाणी में रहते हैं, ये कांग्रेस भी ढाणियों की बात करती है और ये बीजेपी भी ढाणियों की बात करती है, तो हमारे ढाणी के अंदर से ट्रेन जाती है, लाइन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ रुकती नहीं है। हमारे बच्चे कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ रुकती नहीं है तो दिखाने के लिए चलती है क्या? तो मैंने जो है उनको आश्वासन दिया, वो जिस भावना से आए थे, मैंने कहा सुरेश प्रभु जी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि भी इन ढाणी के लोगों को आप वहाँ होल्ट तो बना दीजिए, आप होल्ट बनाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो होल्ट स्टेशन बनाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, स्टेशन बनाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम गाड़ी रोके तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि सुरेश प्रभु जी ने आपकी बात मान ली। अंत में मैं यही कहते हुए कि बजट तो आपने पेश किया है 16-17 का, लगता तो ये है कि आपने 20 और 22 का बजट पेश किया है, ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे, धन्यवाद।